तो कोरल ड्रा 2020 में हम राइट क्लिक करके पावर क्लिप इंसाइड कर देते थे, इसके अंदर चला जाता था। लेकिन X3 में राइट क्लिक करने पर यहाँ पे पावर क्लिप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने कोरल ड्रा X3 ओपन किया है। ऊपर कोने में आपको आराम से ये दिख जाएगा, कोरल ड्रा X3। आज की इस वीडियो में हम X3 में पावर क्लिप का यूज़ करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पावर क्लिप को यूज़ नहीं कर पाते। और जो मेरे दूसरे वीडियोस हैं तो लोग बोलते हैं कि उसमें दूसरा ऑप्शन है और X3 में वो ऑप्शन नहीं आता। तो चलिए X3 में पावर क्लिप को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो इमेज ले लिए हैं, और ये है हमारा A4 साइज़ का पेपर। तो रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरे A4 में एक हमारा बॉक्स बन जाएगा। हटा के देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स बन गया है, और इसमें हम कोई कलर डाल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब मान लो ये वाला जो आदमी का इमेज है हमें यहाँ पे लगाना है, और इसे थोड़ा सा बड़ा करके लगाना है ताकि सिर्फ इसका फेस दिखे, ये वाला पार्ट। इसका नीचे वाला यानी पैंट वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो अब हम करेंगे इसको पावर क्लिप, यानी इस बॉक्स के अंदर इस इमेज को डालेंगे। तो कोरल ड्रा 2020 में हम राइट क्लिक करके पावर क्लिप इंसाइड कर देते थे, इसके अंदर चला जाता था। लेकिन X3 में राइट क्लिक करने पर यहाँ पे पावर क्लिप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब इसको पावर क्लिप करने के लिए ऊपर हम आएंगे इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देखो लिखा है पावर क्लिप, और इस पर जैसे ही माउस लेके आएंगे लिखा है प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पर क्लिक करेंगे। अब एक तीर बन गया हमारे पास, और ये पूछ रहा है कि इस वाले इमेज को यानी इस आदमी के इमेज को किस बॉक्स के अंदर डालना है। आप इस फोटो के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है लेकिन बॉक्स नहीं है, तो इसके अंदर भी नहीं डाल सकते। जैसे देखो इस पर क्लिक करोगे ये नहीं ले रहा है, ठीक। और उसके बाद ये पूछ रहा है ट्राई अगेन, तो हम यस करेंगे। नो कर दोगे तो पावर क्लिप का ऑप्शन हट जाएगा। हम यस करते हैं, फिर से ये तीर आ गया। हमें डालना है इस बॉक्स के अंदर, तो हम इस पर आके क्लिक कर देंगे। ये देखो इसके अंदर चला गया। लेकिन अब इसके अंदर ये चला तो गया, इसका सर भी कट गया, पैर भी कट गया। तो अब इसको सेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अब एडिट पावर क्लिप करना पड़ेगा। यानी अब इस इमेज को हम चेंज करना चाहते हैं, ये देखो कहीं भी ले जाएंगे तो ये बॉक्स के साथ जा रहा है। अब इस इमेज को अपने हिसाब से सेट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो एडिट कंटेंट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इमेज दिख गया और ये बॉक्स भी दिख रहा है। तो अब हमें ये जैसा चाहिए, ये मान लो इस तरीके से चाहिए, ठीक है। बॉक्स के बाहर जो दिखेगा वो नहीं आएगा, और जो बॉक्स के अंदर दिखेगा वही हमारा हिस्सा आएगा। ये तो हो गया। अब इसे फिनिश कैसे करें, क्योंकि हमारा बॉक्स तो रेड कलर का था ना, अभी ये रेड कलर नहीं दिख रहा है। तो उसके दो तीन ऑप्शन है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिनिश एडिटिंग दिस टूल लिखा है, इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है फिनिशिंग एडिटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे, ये फिनिश हो गया। अब आप देखो इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, कहीं भी लेके जाओगे ये साथ में जाएगा। तो यही होता है पावर क्लिप। ये तो हो गया पावर क्लिप का ऑप्शन। लेकिन पावर क्लिप में डालने के बाद बहुत सारे लोग जब इसको लो वर्जन में सेव करते हैं डिज़ाइन को बेचने के लिए, जैसे आप कोरल ड्रा 2020 में या X7 में बना रहे हैं और उसको X3 में सेव करते हैं, और ख़ास तौर से कभी कभी कुछ लोग बहुत नीचे वर्जन में सेव कर देते हैं 12 में या 11 में, तो जो पावर क्लिप में डाले होते हैं ना वो बीट मैप हो जाता है, यानी इमेज बन जाता है, इसको वो एडिट नहीं कर पाते। तो उससे किस तरीके से बचा जाए उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है, पावर क्लिप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। वैसे पावर क्लिप के ऊपर हमने बहुत सारे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए हैं, आप उनको सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब पे। पावर क्लिप TR बहादुरपुर लिख के सर्च करना आ जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ ये दिखाना था कि X3 में पावर क्लिप कहाँ से यूज़ करते हैं। तो आपको इफ़ेक्ट में आना है, यहाँ पर पावर क्लिप का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई और चीज़ आप सीखना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना।